सामने आ रही है। राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्रा का फोटो वायरल करने का मामला, मामले को लेकर एक अपडेट आपको बताते चले, जहां पर केबिन में तोड़फोड़ कर गाड़ी में आग लगाने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है, मामले में FIR हुआ है। हंगामे में शामिल यूनिवर्सिटी के 8 छात्रों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। गाड़ी मालिक गार्ड हरि प्रसाद ने बांदर सिंगरी थाने में से लेकर शिकायत दी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पेट्रोलिंग के लिए ये गाड़ियां लगाई गई थी, जिसमें आग लगा दी गई थी। युवती द्वारा सिक्योरिटी ऑफिसर पर केस दर्ज कराया गया है। पुलिस दोनों ही मामलों में जांच पड़ताल कर रही है। सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, पहले तो युवती की ओर से केस दर्ज कराया गया था, अब जिन गाड़ियों में आगजनी की गई उनके मालिक ने भी शिकायत दर्ज कराई है, क्या कार्रवाई की गई इस पर? जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी में जो हंगामा हुआ था 17 अगस्त को, उस मामले को लेकर जो है युवती की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और लगातार जो है यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से समझाइश का भी प्रयास यहाँ पर किया जा रहा था और मुकदमा भी एक दिन बाद यहाँ पर दर्ज किया गया था। तो अब जब युवती के खिलाफ, युवती के पक्ष में जब मामला बना और शिकायत दर्ज कर ली गई, तो अब जो है छात्रों पर दबाव बनाया जा रहा है, उनके खिलाफ भी है जो मुकदमा यहाँ पर दर्ज किया गया है। आगजनी और हंगामे को लेकर रिपोर्ट जो है यहाँ पर दर्ज कराई गई है। जो गाड़ी मालिक और जो गार्ड है उनकी ओर से एक रिपोर्ट जो है 8 युवाओं के खिलाफ दर्ज कराई गई है कि उन्होंने आगजनी किया, जो पेट्रोलिंग की गाड़ी थी उसको नुकसान पहुंचाया है। तो इस मामले में जो रिपोर्ट है बांदर सिंदरी थाने में दर्ज कर ली गई है। दोनों ही मामलों में जो है पुलिस तफ्तीश में जुटी है, कौन जो है कितना भारी पड़ता है ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन सिक्योरिटी ऑफिसर के खिलाफ जो है फोटो वायरल करने सहित अलग जो पीछा करने सहित अलग अलग जो धाराओं में मुकदमा दर्ज है, तो उस मामले में जो है पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है। तो एक और जो है मुकदमा यूनिवर्सिटी के कहने पर हो सकता है कि ये मुकदमा दर्ज कराया गया हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी कैंपस में जो है पेट्रोलिंग की गाड़ी थी और हंगामा हुआ था, तो गार्ड जो है यूनिवर्सिटी कैंपस का ही है। तो ऐसे में जो है गार्ड की तरफ से भी एक रिपोर्ट दर्ज कराई है। तो इस मामले में पुलिस जो है अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाएगी। तोड़फोड़ और आगजनी को लेकर जो घटना, जो मामला दर्ज कराया गया है, क्या उसे लेकर नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और क्या पुलिस ने अब तक किसी को चिन्हित किया है? जी बिल्कुल, देर रात को जो है नामजद रिपोर्ट यहाँ पर दर्ज कराई गई है। जो 8 स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी के बताए जा रहे हैं, उनके खिलाफ ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। तो देर रात को जो है मुकदमा दर्ज किया गया है, अब उनको चिन्हित कर उनसे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि वीडियो भी जो है इस दौरान वायरल किए गए थे और उस वीडियो में है जो तमाम जो लोग हैं जो आगजनी करने वाले हैं या फिर तोड़फोड़ करने वाले हैं वो दर्शाए जा रहे थे। तो उन वीडियो के आधार पर जो है मुकदमा यहाँ पर दर्ज कर लिया गया है, उनको चिन्हित कर अब इस मामले में अग्रिम अनुसंधान किया जाना है। बिल्कुल अशोक, वो वीडियो भी हम दिखा रहे हैं, और क्या अगर इस वीडियो में कोई और भी छात्र पाया जाता है अशोक, तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल, अगर आगजनी की घटना हो या फिर तोड़फोड़ जैसे पत्थरबाजी की घटना हुई है, अगर उनको चिन्हित किया जाता है तो उनके खिलाफ भी जो है मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो है 8 जो लड़के हैं उनको चिन्हित किया गया है, उनके खिलाफ ये रिपोर्ट जो है दर्ज की गई है। अब अगले चरण में जैसे ही उनसे पूछताछ की जाएगी, कौन कौन शामिल था, क्या मकसद था और क्यों उन्होंने ये घटना की, तो तमाम जो अब जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी, तो निश्चित तौर पर और भी छात्र इसमें आरोपी पाए जा सकते हैं, उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। आप नजर बनाए रखिएगा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के।